नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स में प्रवेश हेतु यूनिराज MPAT एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 एंड 2020 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इससे पूर्व वीडियोस में हमने MPAT 2019 एंड 2020 के संदर्भ में विभिन्न तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर एवं स्टूडेंट कैटेगरी के संदर्भ में। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किस कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करना होगा, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट लिंक्स के अंतर्गत MPAT 2019 एंड 2020 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर यूनिराज MPAT 2019। शिक्षक श्रेणी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में UGC पे स्केल में सेवारत शिक्षकों के लिए है। टीचर कैटेगरी इज फॉर यूनिवर्सिटी कॉलेज लेक्चर्स इन UGC पे स्केल। तो यहाँ टीचर कैटेगरी के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में शिक्षक श्रेणी के अंतर्गत सेवारत हैं एवं UGC पे स्केल के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, यथार्थ वेतनमान ले रहे हैं, वही अभ्यर्थी शिक्षक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक श्रेणी के आवेदन करने हेतु फीस यहां 1145 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि स्टूडेंट कैटेगरी के लिए 2805 रुपये का जो भुगतान है करना होगा। रजिस्टर पर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। कैटेगरी के अंतर्गत हमें यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने दो कैटेगरी के ऑप्शन हमें मिलेंगे, एक स्टूडेंट कैटेगरी एक एवं दूसरा टीचर कैटेगरी। टीचर कैटेगरी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में UGC पे स्केल के अंतर्गत शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, और स्टूडेंट कैटेगरी में वे इनको छोड़कर सभी जो भी अभ्यर्थी होंगे वो सारे स्टूडेंट कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करेंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा अभी भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गवर्नमेंट कर्मचारी जो फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में कार्यरत हैं या अन्य किसी विभाग में गवर्नमेंट के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा PhD डिग्री में प्रवेश हेतु आवेदन करने होंगे या नहीं करने होंगे। जैसे ही इसके संदर्भ में कोई अपडेट हमें प्राप्त होती है, हम इसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आवेदन करने से पूर्व गाइडलाइंस फॉर PhD प्रोग्राम के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, इसके पश्चात ही आवेदन करें। इम्पोर्टेंट डेट्स के संदर्भ में हम यहां जानकारी ले सकते हैं। वैकेंट सीट्स के संदर्भ में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हम और अधिक जानकारी ले पाएंगे। सैंपल पेपर, सिलेबस एंड नो योर यूजर ID, प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट आदि के संदर्भ में आप यहां जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।